हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने चैनल जिज्ञासा में। जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग और कंप्यूटर एमएस एक्सेल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का ये पार्ट टू होने वाला है। कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको जिज्ञासा लर्निंग ऐप के किसी भी पेड बैच में ज्वाइन करना है तो आपको जिज्ञासा लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? जिज्ञासा लर्निंग ऐप। जिज्ञासा लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो अपने आप को लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल का बैच हो, कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच हो, चाहे आपको हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का बैच हो, चाहे आपको जेपीएससी मेन्स का बैच हो, आप सभी के सभी बैचेस वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज एमएस एक्सेल फॉर्मूला का ये कॉन्सेप्ट नंबर टू आपको सीखने को मिल रहा है। कुछ नया सीखते हैं, कुछ मजेदार सीखते हैं। उसी कड़ी में पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको कल के सीरीज में मैंने बताया था कि एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो वो इक्वल टू साइन से ही शुरू होता है। क्या करते हैं? इक्वल टू का साइन पहले लगा हुआ रहता है, उसके बाद आपको वहां पे जो भी प्रोसीजर दिया गया है उस आधार पर उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 32/2 to power 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेसिक सी बात कर रहा हूं कि यहाँ पर आपका वही मैथ्स का फॉर्मूला लगता है, वही मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला लगता है, लेकिन बस यहाँ पर कुछ साइन सिंबल वगैरह जो दिए हुए रहते हैं ना, वो थोड़े से समझने आपके मुश्किल हो जाते हैं। तो कभी कभी बिना सोचे समझे वहां पर वो चीजें आपको डराने का काम करती है। तो सिंपल सा क्या दिया हुआ है, 32/ यहाँ पर 2 के ऊपर में ये जो कैप लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 to power 4। क्या होता है? 2 to power 4 और by 2, यानी कि 32 और 2 to power 4 का मतलब कितना होता है सर? जवाब होगा सर 2 to power 4 का मतलब 16 होता है और into 2 हो गया। कल मैंने कॉन्सेप्ट इसका बता के रखा हुआ था। तो 32/16 × 32, 32/32 कितना हो गया सर? जवाब हुआ सिंपल सा 1। कितना हुआ सिंपल? इसका जवाब कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। इस सवाल को आप जवाब देके बताइए, इसका 1 मिनट का टाइम लीजिए और बना के बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये लीजिए अगला सवाल, देखिए और बताइए इस सवाल का जवाब आप क्या देना पसंद करेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है, क्या है? 1 − 4 + 18/3 to power कितना हो गया? कैप यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है ना, यानी कि 1 − 4 + 18 में कितना हो गया? 3 to power 2, यानी कि 3 to power 2 का मतलब कितना होता है? 9, यानी ये कटेगा कितना बार में कटेगा सर? बोर्ड मास का रूल लगाइए, यहाँ पे 2 हो गया। तो 1 − 4 + 2, तो प्लस वाला जोड़ दीजिए, 1 + 2 कितना हो गया? 3, और यहाँ माइनस कितना है? 4, माइनस कितना है? 4, जवाब कितना आएगा? -1, जवाब कितना आया? -1 इस सवाल के लिए। बिल्कुल सही जवाब, ऑथेंटिक जवाब होता है। क्या होता है? -1 बिल्कुल इस सवाल के लिए सही जवाब होता है। बताइए किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर अभी नहीं सीखते हैं तो कब सीखिएगा? एग्जाम के बाद है? अभी नहीं सीखिएगा, अभी ध्यान नहीं दीजिएगा तो कब सीखिएगा? एग्जाम के बाद, बताइए। नहीं ना, एग्जाम में आपसे कोई बेहतर ना कर ले इसलिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा, और अभी बेहतर नहीं बने तो एग्जाम का नोटिफिकेशन और एग्जाम का डेट आने के बाद ना बस रटंत विद्या चलता है, समझंत विद्या खत्म हो जाता है ना। तो चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके सिलेक्शन को मजबूत करेगा। चलिए इस सवाल को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को 80% से 90% लोग गलत करने का काम करेंगे, है ना। पहले आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश करके पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसका जवाब कमेंट कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको देखना है ना। तो मैं 30 सेकंड का यहाँ पे गैप रखता हूँ ताकि आप चीजों को सॉल्व करें, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने का काम करूंगा, है ना। ये अलग टाइप का, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। अगर आपका दिमाग में, आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट अगर बैठा हुआ है तो, अगर नहीं
तो फिर तो सर आसान से आसान क्वेश्चन भी भारी लगने लगता है। भारत का प्रधानमंत्री पहला कौन था, ये भी सवाल अगर आ गया ना, खाली भारत का प्रधानमंत्री देखिएगा और नरेंद्र मोदी में टिक मार के आप आ जाइएगा। लेकिन लास्ट में आप देखिएगा क्या पूछा गया है, कौन था पहला, है ना। तो क्वेश्चन पूरा समझना जरूरी है, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 2 + 16/2^1 और (n)^3। अब ये वाला जो (3) है ये गुना है। अब समझ में नहीं आएगा ये मैक्सिमम लोगों को कि 2^16/2^1 ये गुना जो है ये नीचे में होगा कि यहाँ पे होगा, है ना। तो बोर्ड मास का रूल करना है अप्लाई और कर देंगे हम यहाँ पर रिजल्ट का सप्लाई, है ना। तो गुना ऊपर में है ना कि इसके साथ में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये 2^1 के साथ में (3) का रिलेशन तो कुछ बनेगा नहीं, तो ये गुना होगा ऊपर में सर। यानी रिलेशन क्या बना, 2 × 16^2, 2^1 का मतलब 2 × 3, है ना। ये कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। अब 8 को पहले बोर्ड मास का रूल अप्लाई कीजिए, 8 दिया 24 और यहाँ पे +2, कितना हो गया, 24 और 2 26। कौन सा हो गया सर, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही जवाब होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इस सवाल को आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। 5 + 20/20, 1 मिनट, 5 + 20/3^2 सॉरी 2^2^ इसको कर देते हैं 2 × (4−5) इक्वल टू, है ना। इसको एक्सप्लेन करके इसका रिजल्ट आपको कमेंट करना है ना। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इक्वल टू 5 + 20/2^2 यहाँ पर (4−5) इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ नया फिर से सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं पार्ट 3 में फॉर्मूला के साथ में, है ना। पार्ट 3 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के साथ में आपसे मुलाकात करते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जय हिंद।